सब्सक्राइब करिए डीएम का ड्रीम को और साथ में बेल वाली आइकन प्रेस करिए जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, इंजीनियर बनना कई स्टूडेंट का ड्रीम होता है, लेकिन बता दें दोस्तों, इंजीनियरिंग में अलग अलग टाइप्स की ब्रांच होती हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के इंजीनियर बनते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जहां हर साल इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। अगर आप आईटी इंजीनियर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपका यह डिसीजन जॉब है डिसीजन जो है आपका, ये गुड है, अच्छा है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आईटी में जॉब की बहुत सारी भरमार है, बहुत सारी नौकरियां हैं। एक अच्छे इंजीनियर को आसानी से कहीं ना नौकरी मिल ही जाती है, उन्हें जॉब तो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं। बट दोस्तों, एक अच्छा इंजीनियर बनना इतना आसान भी नहीं है। कहने का मेरा ये भी मतलब नहीं है कि नामुमकिन है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अच्छे से पढ़ाई, तब आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम का ड्रीम में, मेरा नाम है अभय। चलिए देखते हैं, आइए कि इंजीनियर क्या कैसे बने और क्या करें। दोस्तों, एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए आपको के लिए जो सारे उसके कोर्स होते हैं उसको करना चाहिए। दोस्तों, आईटी सेक्टर में प्रवेश करने के लिए देश में कई अच्छे संस्थान हैं, कई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप आईटी में जा सकते हो। कैसे तो वैसे देखा जाए तो दोस्तों, आईटी शिक्षा लगभग हर जगह उपलब्ध है, उसकी एजुकेशन उपलब्ध हो है और उपलब्ध हो भी रही है, जहाँ इस समय नहीं है वहाँ हो रही है। इसके लिए कई कोर्स उपलब्ध हैं, हो रहे हैं फिलहाल। दोस्तों, आप बीई, बीटेक और इंजीनियरिंग ऐसे कई कोर्स के जरिए आईटी में इंजीनियर बन सकते हो फ्रेंड्स। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसे कई सारे कोर्स हैं, जैसे बीएससी सीएस हो गया है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऐसे सेकंड पे आ जाता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और होता है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, फोर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जो ये होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में आप प्रवेश लेके अच्छे से इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स एक कंडीशन है कि आप जो 12th किए हो पीसीएम ग्रुप से किए हो, पीसीएम सब्जेक्ट हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप कंप्लीट किए हो 12th। फिर होता है कि जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, उसमें आप अगर प्रवेश लेना चाहते हो तो उसमें ये नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप जो स्ट्रीम से हो लेकिन 12th आपका कंप्लीट हो तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश ले सकते हो और उसका अपना इंजीनियर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड पे आता है फ्रेंड्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, आप अगर प्रवेश लेना चाहते हो तो इसमें भी कोई रूल नहीं है, आप केवल आपका ये इतना मांगते हैं कि आपका केवल 12th कंप्लीट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट किसी भी, लेकिन आपका 12th कंप्लीट होना ही चाहिए। दोस्तों, इन सभी कोर्स के अलावा आप पॉलिटेक्निक के तहत भी आईटी सेक्टर में जा सकते हो। आजकल देख ही रहे हो कि हाई स्कूल के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो और इंटर के बाद भी पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के बाद जॉब कैसे पाएँ, उसके बाद क्या करें, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ऊपर जो मैं आई बटन पे पूरा ये इसका प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उसी में आपको पॉलिटेक्निक में जॉब कैसे पाएँ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी जॉब कहाँ मिल सकती है, ये सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे अगर हम पढ़ें तो जैसे कहते हैं कि आईटी में इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल है, तो आप इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो आईटी इंजीनियर बनने के लिए आपको कई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप आईटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है आईटी में, क्योंकि आईटी इंजीनियर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास भी लेके इसको सीख सकते हैं, अलग से क्लास लेके सीख सकते हैं, इसके लिए आपको अधिक मेहनत और पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, मतलब आप नहीं सीख पाते हैं, आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझते हो, नहीं सीख पाते हो अच्छे से, तो आप प्रोग्रामिंग कोर्स
कोडिंग जो होता है या सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप एक गुड इंजीनियर, एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हो। दोस्तों आपको सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, इन लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से इंजीनियर बन सकते हो। दोस्तों पढ़ाई के दौरान प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करते रहना, ये सब करना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक करते हो तो उस समय आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो, वरना बाद में जहां आप कॉलेज से निकल जाओगे, कॉलेज आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो आप किससे मदद लोगे। देश में दोस्तों बीई सीएस है, बीटेक सीएस है, बीई आईटी है, बीसी, ऐसे कई कोर्स उपलब्ध हैं, प्रोवाइड हैं, जो इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लैंग्वेज कोर्सेज भी कर सकते हैं, जो ये ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, सी लैंग्वेज, सी प्लस जो मैंने बताया है, इनकी आप अलग से कोर्स भी कर सकते हैं, इनको आप अलग से भी समझ सकते हैं, जो कई सारे हैं जिनमें से आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ जाके अपना लैंग्वेज अपना आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश प्रयास करिए। दोस्तों आप आईटी मास्टर की डिग्री लेकर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। आप एक्सपर्ट आप जब बन जाओगे आईटी मास्टर की डिग्री लेकर, तो आप अच्छे से उसमें आपका नॉलेज हो जाएगा, आप अच्छी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, कर सकते हो और करना भी चाहिए, जिससे आपको वहाँ अच्छा से नॉलेज भी मिलेगा, प्लस में आपको थोड़ी बहुत सैलरी भी मिलेगी। तो दोस्तों आईटी में जॉब पाने के लिए प्रेजेंट क्या करना चाहिए, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में आईटी वर्ल्ड का सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आईटी कंपनियों में फ्रेंड्स आईटी इंजीनियर की मांग लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे विकास विकसित हो रहा है वैसे धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ रही है। आपको बता दें कि देश में हजारों आईटी कंपनियां हैं, जहां लाखों आईटी इंजीनियर की वैकेंसी हर साल होती है और उन्हें भर्ती मिलती है। हर दिन कोई ना कोई आईटी कंपनियां आईटी इंजीनियर को मांग करती हैं और उनको, इसके अलावा जब आईटी इंजीनियर जब हर दिन कोई ना कोई मांग करेंगे तो उनकी वैकेंसी भी जब निकलेगी तो उन्हें जॉब भी मिलती है। फ्रेंड्स इसके अलावा आप बैंक, दूरसंचार, रेलवे, एयरपोर्ट, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ सरकार के जो गुप्त विभाग हैं उसमें भी आप वैकेंसी निकलती है और आप जॉब पा सकते हो। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, दोस्तों विदेशी कंपनियों में आईटी इंजीनियर की बहुत डिमांड है, वे अब हमारे यहाँ से लगातार आप अच्छा आप देखते ही होंगे कि जो यहाँ आईटी में अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, बेटर होते हैं, वो अधिकतर विदेशी जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा मांग है। हमारे देश में कई इंजीनियर विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। फ्रेंड्स सैलरी की बात करें तो आईटी इंजीनियर को सैलरी हर जगह अलग अलग मिलती है, ये डिपेंड करता है आप कहाँ काम कर रहे हो, किस जगह पे। तो दोस्तों बता दें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। आईटी इंजीनियर को 25,000 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों रुपये तक सैलरी मिलती है। दोस्तों गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आईटी इंजीनियर को लाखों करोड़ों रुपए की पैकेज देती हैं, उन्हें स्टार्टिंग से ही ऑफर करती हैं। तो दोस्तों ये रही आपको आईटी में इंजीनियर कैसे बने, क्या करें, कौन से प्रोसेस होते हैं। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। फ्रेंड्स इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि आईटी में कैरियर कैसे बनाएं, वो भी आपको आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो हर एक जॉब है उसमें, उसी में आपको मिल जाएगा कि आईटी में कैरियर कैसे बनाएं। दोस्तों आगे भी आईटी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी कि इंजीनियर कैसे बने, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बने। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी इंजीनियर के से रिलेटेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपका कुछ इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हो, कुछ आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो आईटी में इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके पास तक पहुँचाइए। दोस्तों जो अभी हमारे नए मेहमान हैं, अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल डीएम का ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल वाली बटन प्रेस कर लें, जिससे जो मैं नई वीडियो, इससे यह होता है कि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए डीएम का ड्रीम, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के लिए। धन्यवाद।